परम आदरणीय प्रभु श्री स्वर्गीय जिनेश्वर मिश्रा जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आज के कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष जी, हम सबके नेता प्रोफेसर साहब, भारत के नौजवानों की उम्मीद परम प्रिय संजय सिंह जी, परम आदरणीय मनोज झा जी और पूर्व केंद्रीय मंत्री भाई मुख्तार अब्बास सखनू साहब और मैं बैठे सभी मचाधीन साथी और जनेश्वर मिश्रा जी के जन्मदिन पर समस्त देश के कोने कोने से आए हुए सम्मानित साथियों, जनेश्वर मिश्रा जी पर भाषण देना और उनके जीवन की ये जीवन कथाएं हमको कहने में काफी समय लग जाएगा। मैं इतना सिर्फ जानता हूं कि सरकार बनाना आसान है लेकिन जनेश्वर मिश्रा बनना सबके बस की बात नहीं है। जो आदमी अपने संपूर्ण जीवन को देश हित में दिया हो, अपने परिवार के लिए कभी उन्होंने कोई संपूर्ण जीवन में समय नहीं निकाला। पूर्वांचल का गन्ना किसानों का आंदोलन से मारे गए, उस समय नेता के साथ तो जेल में थे और उनकी पत्नी का ध्यान हुआ। तो बस इतना आज ही मैं कहूंगा कि सब कुछ हो सकता है लेकिन जनेश्वर मिश्र बनना आसान नहीं है। हम इस बात का शपथ लेते हैं कि हम लोग प्रयास करेंगे उनके पक्ष ऊपर चलने का काम करें। पुनः हमको चरणों में सदा से मना फिर कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद साथियों। आदरणीय सनातन पांडे जी, हमारे बीच हमारे भाई और तेज तरार क्रांतिकारी सांसद पार्टी के चीफ व्हिप आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी आ रहे हैं, मैं आपका मंच पर स्वागत करता हूं। आप कृपया करके मंच पर बता रहे हैं। पुष्पांजलि करवा दीजिए तिवारी जी। मैं छोटे भाई और सांसद आनंद भदौरिया जी का भी स्वागत करता हूं। पांच अगस्त 2006 का दिन था, इस तरह तो नहीं कहूंगा, जब गुरुजी का जन्मदिन मिलता तो बनता था तो बड़ी भीड़ होती थी, बलिया की पूड़ी होती थी। एक दिन वो भी दिन आएगा कि हम लोग बलिया की पूड़ी वाला भी जन्मदिन मनाएंगे। भीड़ बहुत थी और मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी। पांडे जी शिकायत कर रहे हैं कि आज ही आपको कर दे रहे हैं। तो पांडे जी जो कहना है गुरु जी का कितना मैं हूँ, कहा बड़े लोग हैं, कह रहे पूरी बचा लिया इन्होंने। मैं जब गया गुरु जी के सामने, एक छोटा सा वाकया सुनाऊंगा आप लोगों को। चूंकि तबीयत खराब थी मैं थोड़ा जोर से सोफे पर सामने बैठ गया। आंख खोले बोले प्यारे तबीयत खराब है? नहीं नहीं गुरु जी ठीक हूं। बोले क्यों परेशान हो रहे हो? ये जो बाहर भीड़ देख रहे हो ये सत्ता की भीड़ है, मौका प्रस्तों की भीड़ है, दलालों की भीड़ है, कार्यकर्ताओं की भी भीड़ है। कल को जब मैं नहीं रहूंगा तो ये गोष्ठी तो दूर, मेरा जन्मदिन भी लोगों को याद नहीं रहेगा।
और मेरे मुंह से अनायास से निकल गया, गुरुजी भगवान आपको लंबी उम्र दें। मैं जानता हूं कि आपकी कभी कोई भर नहीं पाएगा, लेकिन एक बात कहता हूं, जब तक आपका शिष्य राजीव राय जिंदा रहेगा, ये गोष्ठी भी होगी, आपका जन्मदिन भी बनेगा। हो सकता है पैमाने पर मैंने तिवारी जी हमेशा उसी तरह से लगे रहे हैं, और मैं अपने अभिभावक तुल्य सारे नेताओं का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि जब भी पड़ता है कहीं से भी आ जाते हैं। मनोज झा साहब को हम लोग ज्यादा देर तक सुनते, क्योंकि आपकी तबीयत खराब है, थोड़ा सा केक भी हमने खिला दिया, उसे ठीक हो जाना चाहिए। आज गुरु जी का आशीर्वाद मिलेगा आपको, क्योंकि आपको जाना है, इसलिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आइए और ऊर्जा का संचार करिए।